चलितरव्यापिभिर्व्याप्यलोकान् भोक्ता भोगास्तविष्टान् पुनरपि श्रीशनोद्भाषिणान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् श्वसति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया सङ्ख्यातुरीयं परममधुकमजं ब्रह्मयत्तं ततोऽस्मि। अथर्वेदी मार्टिन को पुरुषों के वैतक का नाम दिव्य प्रकरण का योजना इस प्रकरण में सात्विक वस्तु मिलता है। इस दृष्टांत को अच्छी तरह से समझा करके फिर जिस जिस कारण से सात्विक वस्तु का मिथ्या होते हैं वो तो सारा कारण जागृत में भी विद्यमान इसलिए जागृत वस्तु भी मिलता है। जागृत मिलता दृश्यता जड़ता परिचिन्नता फिर यहाँ पे अत्यंतत्व स्वप्रयोजनीयता अभाव कितना भी जीवन थी और संस्कार जन्यत्व लास्ट जो है था संस्कार से अलग जागृत की वजह से स्वप्न के अवस्था को तुम दिखाई पड़ते हैं कि जैसे संस्कार है जैसे वास्तव का अगर तुम जागृत वस्तु भी ही दिखाई पड़ती है संस्कार जी दिखाई पड़ता है जैसे हम जन्मांत के संस्कार है तब पुनः हम अपने मनोरंज को बनाते हैं और तब हम शुभ दुर्गा में फंसाते हैं और इसलिए बोले यहाँ पे एक अपूर्व स्थानीय धर्म है। अब एक बारी का मान्यता ये है कि स्वप्न जो है मिथ्या नहीं है क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पे चार सिर वाला पांच सिर वाला सौ आँख वाला व्यक्ति भूलोक में नहीं दिखाई पड़ता और दूसरा के लोग में ब्रह्मलोक में शिव लोग में शिव जी का पाँच पंचवक्त नेत्र और हमारे एक वक्त और दो नेत्र हैं तो हमको मन में बैठता नहीं है। किसी प्रकार इंद्रों का जो है स्वस्थ वो स्वर्गलोक में हो सकते हैं ब्रह्मलोक में हो सकते हैं किसी प्रकार उसको आप मिथ्या नहीं बोल सकते वो लोक स्थान का धर्म है। तो बोलते हैं अपूर्व स्थानीय धर्म ही यथा स्वर्ग निवासिन जिस प्रकार स्वर्ग में रहने वाले लोग का ये गुण होता है परंतु हमारे पास तो कौन वस्तु स्थायी है कौन अस्थायी है उसको लेकर के मिथ्या नहीं बोलते। हमारी मिथ्या की परिभाषा है दृश्यत्व वहाँ भी ग्राह्य ग्रह भाव है कि नहीं है एक दृष्टा और एक दृश्य इस भाव से जो भी कुछ ग्रहण होगा उसी को हम मिथ्या बोलेंगे क्योंकि जो दृश्य होता है वो अस्थायी होता है कुछ देर रहता है कुछ देर नहीं रहता है स्वप्रयोजन का निभा नहीं पाता मिटा नहीं पाता इस कारण से जैसे सापनिक वस्तु मिथ्या है ऐसे ही यहाँ पे भी मिथ्या है। और बोलते हैं कि तब यहाँ पे हमको दिखाई क्यों पड़ता है बोलते हैं इस प्रकार अनेक जन्मों के संस्कार के फलस्वरूप दृष्टांत कह रहे हैं तान अयम प्रेक्षते करता स्वप्न लोक में जा करके सापनिक वस्तु में आपको मरुभूमि में मरीचिका देखना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा गुम्बू में जाना पड़ेगा कि नहीं हाँ यहाँ पे मरुभूमि है वहाँ पर जाना पड़ेगा मरीचिका देखना स्थानीय धर्म उस स्थान में रहने वाले हम जाने वाले को दिखाई पड़ता है तो तन अहम क्या बोलते हैं तान अयम प्रेक्षते करता यथे यह सुषिप्ति जैसे इस लोक में एक व्यक्ति अपने व्यवहार करते करते इतना अच्छा उनका व्यवहार सिद्ध हो गया कि आँख मुझ को काम को कर लेती इसी प्रकार से अनेक जन्म की बार बार इधर उधर लोग अंतर में जाना भिन्न भिन्न लोग तो संस्कार को कोई संस्कार का भी उद्भूत होकर के सपने रूप में दिखाई पड़ता है इसलिए वो सत्य नहीं है ये आप नहीं कह सकते। अब जो है एक और फिगर है देखो भाई तुमने अभी क्या बोला कि मरुभूमि के मरीचिका की पानी अजागृत जो मिथ्या है कि गंगा की पानी दोनों मिथ्या मतलब तो बंद ही तो नहीं होता मरुभूमि के पानी अलग है गंगा जी के पानी अलग है वहाँ होता है पूरा दिखाई पड़ता है हमको मरुभूमि के पानी वो तो कुछ देर के लिए रहता है उसके प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो अब तुम्हारे जब तुमने ऐसा बोला मतलब तुम्हारे लिए सभी मिथ्या है तो ये कैसे हो सकता है तब वो बोलते हैं हमारे उत्तर होगा कि देखो तुम उस वस्तु को थोड़ी देर के लिए देखते हो नहीं देर के लिए देखते हो और स्वप्रयोजन तो सिद्ध नहीं होता वो तो अर्ध जिस समय आपको लगता है स्वप्रयोजन सिद्ध होगा वो अज्ञान क्षेत्र की महिमा है अज्ञान क्षेत्र की महिमा है और बाकी स्वप्रयोजन तो सिद्ध नहीं होता क्योंकि मतलब आपको अद्यंत वंत आदि अंत वाला है इस कारण
ये जागृत वस्तु के अब मतलब जो हमको दिखाई पड़ता है कुछ देर अधिक दिखाई पड़ता है, और स्वाप्निक वस्तु एक हो गया अंतश्चित्त और एक हो गया बहिश्चित्त। मरुभूमि में जो पानी आपको दिखाई पड़ता है अंतश्चित्त, और गंगा जी का जो पानी दिखाई पड़ता है बहिश्चित्त। मतलब अंतकरण की वृत्ति को इंद्रियों के माध्यम से बाहर लेकर के हम इसको सच समझ लें। आप देखिए स्वप्न काल में भी, स्वप्न में भी आपका कुछ वस्तु ऐसा होता है, स्वप्न में भी आप कुछ एक जगह पे बैठे, मैं मानो स्वप्न देख रहे हैं, एक जगह पे बैठ करके मैं पुराना चीज को सोच रहा हूँ, तो अपने मन में ही स्वप्न में भी आप स्वप्न जैसा देख रहे हैं, और कुछ स्वप्न वस्तु आपने बाहर देखते हैं, मैं मनोवृत्ति को बाहर ला करके बाहर देखते हैं। तो आप पर तो जगने के बाद आप स्वयं अपने आप बोलते हैं, चाहे हमारा अंतस्थ हो चाहे बहिस्थ हो, दोनों स्वप्निक वस्तु देखते हैं, ऐसा निर्णय करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको ये समझना है, चाहे वो मरुभूमि के पानी जो अंतरित मन अंदर बैठे अंतश्चित्त है, और गंगा जी के पानी बहिश्चित्त है, परंतु आप जब इसके सापेक्ष में जग जाएंगे आत्मा के सापेक्ष जग, तो गंगा जी के पानी भी आपको भी मिथ्या है। तो अब देखिए मैं अपने जीवन के एक घटना बता रहा हूँ। 1998 में हरिद्वार में कुंभ हो रहा था, तो उस समय हमारे कुछ हरिद्वार आश्रम है, आश्रम के लोग बोले स्वामी कुछ दिन के लिए यहाँ पे आ जाइए। उस समय चैतन्यानंद स्वामी से भंडारकर थर्ड बुक कर रहे थे, तो स्वामी जी सुनाए कुछ, स्वामी ऐसा बोल रहे, स्वामी जी ऐसा बोला, तुम स्वयं कुंभ कुंभ हो, कहाँ कुंभ नहाने जाओगे, हाँ कुंभ नहाने जाओगे, एक बार चित सागर में गोता लगाओ, अनंत जन्म के कुंभ का फल मिल जाए। चित सागर के सापेक्ष में वो कुंभ भी मिलता है, चैतन्यमय सागर में अगर आप एक बार गोता लगा पाते हैं, फिर ये कुंभ आदि क्या काम करेगा। इस सापेक्ष में पहले ही बोला कि जागृत के सापेक्ष में स्वप्निक वस्तु मिथ्या है, उसी प्रकार आत्मा के सापेक्ष में जागृत वस्तु मिथ्या है। जो चित सागर पूर्ण चैतन्यमय हमारा स्वरूप है, उसकी तुलना में ये गंगा जी का पानी हो अथवा कुंभ हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। आत्मा तो कहीं नहीं जा रहा है। मैं तो प्रसंग यहाँ पे इसलिए आया है, प्रसंग इसलिए आया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ वस्तु हमारा अंतश्चित्तस्थ होते हैं, कुछ वस्तु हमारे बहिश्चित्तस्थ होते हैं। आगे प्रसंग आने वाला है। बहिश्चित्त तो मतलब है मैं अपने अंतकरण के वृत्ति को इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकाल के स्वप्न में हम देखते हैं, और स्वप्न अवस्था में हम कुछ वस्तु को अंदर ही देखते हैं। तो जगने के बाद हम क्या बोलते हैं, दोनों ही चाहे अंतश्चित्तस्थ हो चाहे बहिश्चित्तस्थ, दोनों ही मिथ्या है। इसी प्रकार जब आप स्वरूप के सापेक्ष में जग जाएंगे, जब साक्षात करते प्रभु, तो समय जब आप जग जाएंगे तब क्या हो जाएगा कि व्यवहारिक धर्म आचरण आदि जो हमको सत्य लग रहा है वो उसके सापेक्ष में मिथ्या होगा। व्यवहारिक मिथ्या तो हम नहीं बोल रहे हैं, इसी को ध्यान रखना, क्योंकि हम शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, इतना शास्त्रीय इतना वेद उल्लंघन नहीं करते, शास्त्रीय आचरण करने का फल स्वरूप ही उन्हीं के सौभाग्य से आज ये चीज समझ में आ रहा है कि पारमार्थिकता कहाँ पे है। इसलिए उसको हाँ, जब तक हमें उजागर दृष्टि जागृत नहीं होती तब तक हम उसको मानते हैं, और आत्मा की दृष्टि से तो कहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ क्रिया जब मैं व्यवहारिक मर्यादा को रक्षा करते हुए भी, आत्मा में तो कोई क्रिया है नहीं, ना आना जाना, ना कोई तीर्थ स्थान, ना कुछ नहीं। इसलिए स्वामी जी उल्टा आप करने से आपको देख के और सब साधक लग करेंगे, यदि तो नहीं करेंगे तो फिर वो एक अलग सा ये हो जाएगा। इसलिए आपको क्या होगा कि आप किस अवस्था में साधक है सबको नहीं बोलते समय, अचानक मेरे को क्यों बोले, तो और भी कोई अगर ठीक है जाओ, अचानक मेरे को बोले नहीं वहाँ जाके क्या, स्वयं पूर्ण कुंभ उस चित सागर में गोता लगाओ, फिर सारा कुंभ का फल प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे भी है तो हम नहीं गया तब से कभी भी कुंभ में जाने की इच्छा ही नहीं, कुंभ मेला इतना होता है। ऐसे ये सापेक्ष संध्यान करना है कि हमारे कुछ अंतश्चित्त वस्तु होते हैं, कुछ बहिश्चित्त वस्तु होती है, उसके सामने तो जगने पर अंतश्चित्त बहिश्चित्त दोनों ही मिलता होता है। जिस प्रकार स्वप्न में वैसे ही जब हम अपने अपने स्वरूप के प्रति जग जाएंगे तब क्या हो जाएगा कि ये दोनों ही मतलब चाहे आपका गंगा के जल की पानी हो चाहे हमारा मनश्चित्त जो मरुभूमि की पानी हो, दोनों में मिथ्यात्व हम मिथ्यात्व स्थायित्व अस्थायित्व को लेकर के मिथ्यात्व नहीं बोला। हमने क्या लिखा है, दृश्यत्व तो है कि नहीं, और आप जगे हुए हैं कि सोए हुए हैं, किस अवस्था में बोल रहे हैं, इसके सापेक्ष में मिथ्यात्व नहीं। ठीक है, इसको लेकर के कल जो हम अच्छा ये तो नहीं होता पूरा ना।
जो 8 नंबर था उसका टीका कुछ बना हुआ था। तो आप यहाँ पे बोलते हैं दृष्टांत असिद्धि दुक्षय अनुमान साधयति। अपने दृष्टांत में कह दिया शब्द भी गलत दिया था ना, अपने स्वप्न को मिथ्या कहा, ये मिथ्या नहीं है क्योंकि आपके मिथ्या तो रूपी धर्म स्वप्न में नहीं बैठता है, क्योंकि वो तो अपूर्ण को स्थानीय धर्म है, वहाँ पे जाने से उसको ऐसे ही दिखेगा, सिद्धांत के उत्तर देते हैं क्योंकि आप यहाँ पे चतुर्मुख चतुर्मुख ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ता, तो ब्रह्म लोक में नहीं है तो आप नहीं कह सकते, सबको सब सब मतलब स्वप्न लोग में ऐसा होना संभव है, इसलिए स्वप्न में इतना नहीं है। इस प्रकार के युक्ति देने पर दृष्टांत असिद्ध भी, जो आपने दोष दिया था कि आपका दृष्टांत तो सही नहीं है, स्वप्न स्वप्नवत आपने दृष्टांत तो दिया था, इसको दूषित करते हुए अनुमान को सिद्ध करते अनुमान साधयति। तो न आपने आपने जो कहा अतः दृष्टांत असिद्ध तस्मात स्वप्नवत जागृत स्वसत्यम इति अयुक्तम, स्वप्न की तरह जागृत भी मिथ्या ये कहना युक्ति संगत नहीं है। आपने जो ये कहा आप सिद्धांत बोला तो न आपका ये कथन सही है। स्वप्ने दृष्टम अपूर्वम जन मन से न तत् स्वतः सिद्धम, स्वप्न में जो वस्तु आपको दिखाई दे रहा है अपूर्व वो बताओ वो अपने आप सिद्ध होता है कि नहीं, अपने आप अपने को प्रकाश कर सकते कि नहीं कर सकते, सत सिद्ध की परत सिद्ध वेद जो है वो सत सिद्ध है। सत सिद्ध क्यों है वो अपौरुषीय और बाकी सारा ग्रंथ परत सिद्ध है, मतलब चेतन कोई व्यक्ति प्रकाश करेगा तब वो प्रकाशित होता है। इसी प्रकार से ये जो आपने बोल रहे हो अपूर्व ये स्वयं प्रकाश है कि आप किसके द्वारा प्रकाशित होते हैं, यदि दूसरे के द्वारा प्रकाशित होते हैं तो वो वस्तु पारमार्थिक सत्य नहीं होता, ये भी हमारी सिद्धांत है। इसलिए बोलते हैं कि न तत् सत सिद्धम किम तरी अपूर्व स्थानीय धर्म, ये जो मूल में बोले थे उसी का अर्थ किया था, स्थानीय न दृष्टु एवं स्वप्न स्थान धर्म, दृष्टा जो स्वप्न स्थान में गया उसका ये धर्म, वो वहाँ पे जाके ये देखते हैं। टीकाकार बोल रहे हैं तत्किम सत सिद्धम परतो वा, वो अपने आप सिद्ध होता है अथवा दृष्टि के माध्यम से सिद्ध होता है, उसको सिद्ध करता है वो न आद्य पहला तो नहीं बोल सकते है ना, वो सत सिद्ध नहीं है, वो सत सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि कि उसको प्रकाश करने के लिए कोई चाहिए न आद्य जड़ से तद अयोगा, जड़ वस्तु जो होता है वो अपने आप अपने को प्रकाशित नहीं कर सकते, यही जड़ और चेतन में ये भिन्नता है। चेतन कैसे समझेगा जो अपने आप अपने को प्रकाशित करते हैं, और जड़ क्या है जो दूसरे की तरह प्रकाशित होता है। तो कहाँ तक जाएगा ये पूरा सृष्टि यहाँ तक है, जहाँ तक ब्रह्म लोक तक सारे दुष्ट के तरह प्रकाशित होते हैं अपने आप। इसलिए बोलता है जड़स्य तत् अयोगात इति अह, जड़ में ये होना संभव नहीं है, मतलब स्वयं प्रकाशत्व होना संभव नहीं है, इसलिए वो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। स्थानीन दृष्टु एवं ही स्वप्न स्थान धर्म, वो क्या हो गया उस स्थान में गया हुआ व्यक्ति उस स्थान के अनुसार ही देखते हैं, किसी जगह पे गया हुआ व्यक्ति गए देखेगा उस स्थान में जो जो वस्तु है वैसे ही देखेगा। इसी प्रकार स्वप्न लोक में गया हुआ व्यक्ति स्वप्न मतलब क्या अपनी पास संस्कार जन्म तो क्या देखेगा संस्कार जन्म तो वस्तु की देखेगा वहाँ, यही बात है। न अच्छा तब न तो द्वितीय तन मिथ्यात्म, द्वितीय मतलब परत सिद्ध होने पर जो परत सिद्ध होता है वो मिथ्या, द्वितीय तन मिथ्यात्म इति अभिप्रेत इसके मन में रख करके प्रश्न पूर्वकम आद्यम पादम अवतारे, प्रश्न उठा करके पहला पाद क्या है हमारे पास यहाँ पे अपूर्व स्थानीय धर्म, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं पहला पाद को प्रश्न पूर्वकम आद्यम पादम अवतारे, प्रश्न उठा करके पहला पाद को यहाँ पर अवतरण देते हैं। प्रश्न क्या उठाया किम तरी, ठीक है ना, और प्रश्न ये भी क्या था स्वप्न दृष्टम अपूर्वम यत मनुष्य तन सत सिद्धम, तो क्या सिद्ध कैसे सिद्ध होता है किम तरी, देखिए किम तरी किम अर्थ तब कैसे सिद्ध होता है, ठीक है ना। इसलिए तब वहाँ उत्तर में बोलेंगे अपूर्व स्थानीय धर्म से होता है तद्गतानि अक्षराणि व्याकरोति, ठीक है तद्गतानि अक्षराणि व्याकरोति, तद्गतानि मतलब श्लोक कालिका गतानि अथवा प्रथम पाद गतानि अक्ष प्रथम पाद में आए हुए अक्षरों को व्याकर अभिव्यक्त करते हैं। स्थानिनः दृष्टु एवं ही स्थान में रहने वाले दृष्टा का ही जो स्वप्न स्थान तो धर्म स्वप्न स्थान में जाने के कारण वो इस प्रकार देखते हैं। देखिए स्थानीन यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार जो व्यक्ति जिस शरीर को प्राप्त किया है और उस शरीर के मैच्योरिटी के अनुसार उसका धर्म होता है। आपने को ऐसा मान मैं वृद्ध हूँ, यही मैं कभी पहले कहता था कि मैं जवान हूँ तो मैं वही रहा, पर जो स्थानीय धर्म का अपना बोल रहे हैं जिस स्थान में रह करके मैं बोल रहा हूँ ये अपने स्थानीय धर्म इसको समझ लें, यही यही पीढ़ पहले कहता था कि मैं जवान हूँ
मैं बच्चा हूँ, और यही पेड़ आप कहता है कि मैं बुढ़ा हूँ, किसके आधार पर बोल रहे स्थान जिस स्थान में रहे ना उस स्थान के साथ तादात्म्य करके हम स्थानी बन गए, यही चीज है। वो सपना मतलब क्या होता है, वो संस्कार जो क्या होगा उसके साथ तादात्म्य करके आप ऐसे कहने लग गए। आप उपासना आदि करते हैं, देव पूजन आदि करते हैं, देवता के चिंतन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप सोचते हैं कि मैं भी अगला जन्म में देवत्व को प्राप्त करूँ, तो सपनों में भी आप उसी प्रकार उस स्थिति को देखते हैं कि अपूर्व स्थानीय धर्म तथा यथा। अब आगे देखिए बोलते हैं अपूर्व स्वप्न दर्शन टीका में अपूर्व स्वप्न दर्शन से स्थानीय धर्मत्म दृष्टांति साधयति। अपूर्व मतलब इस प्रकार के स्वप्न हमने पहले कभी देखा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा देवत्व अथवा हमारे कोई वस्तु के प्रति हमारी तीव्र इच्छा होती जाती है तो वो स्वप्न में हमारे सामने आते हैं, पहले हमने इसको देखा नहीं, इसीलिए हमें बोलते हैं अपूर्व स्वप्न दर्शन से जो पहले नहीं देखा हुआ इस प्रकार से, क्योंकि मैं इंद्र बन गया हजार आँख वाले और फिर जो है चार सूंड वाले हाथी के ऊपर बैठ करके दस भुजा वाला हो गया, ये कौन देख रहे हैं, मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही उस स्थानीय धर्म सपनों के लोक में जाने के कारण उस धर्म का हमने प्राप्त हो गया, ऐसा दिखाई देगा। तो इस जिस प्रकार इस समय बुढ़ा हो गया उस समय बोलेंगे मैं इंद्र बन गया, सपने में बोल रहे हैं, बोलने में कोई पैसा खर्चा नहीं होता, वो अपना भावना ऐसा रहता है कि मैं बनना चाहता हूँ। अपूर्व बृहदारण्य का ज्योतिर्ब्रह्मण पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि स्वप्नों की कैसे कैसे कहाँ तक स्वप्नों की मिथ्या है, वहाँ पे आकर के स्वप्न सत्य। तो अपूर्व स्वप्न दर्शन से स्थानीय धर्मत्तम स्थानीय धर्म दृष्टान्त दृष्टान्त के द्वारा दिखाते हैं साधयति। फिर भाष्य में यथा स्वर्ग निवासीनाम इंद्रादीनाम सहस्राक्षत्वादी तथा स्वप्न दृश्य अपूर्व एवं कर्म। इस प्रकार स्वर्ग में रहने वाले जीव है उनका जो अलग प्रकार के शरीर होते हैं वो अपने को उसी शरीर के साथ आइडेंटिफाई करके बोलते हैं। गंधर्व का शरीर अलग प्रकार के होते हैं, किन्नर का शरीर अलग प्रकार होता है, धर्म भी अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से यथा स्वर्ग निवासी नाम जिस प्रकार स्वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों का कौन है, वहाँ पे इंद्रादि नाम इंद्रादि देवताओं का, उसके किसी का हजार आँख, किसी का चार मुँह, किसी का पाँच मुँह, किसी का तीन आँख, इस प्रकार जो है केशव सुरक्षित आदि तथा उसी प्रकार से स्वप्न दृश्य स्वप्न दृष्ट का अपूर्व अयोग धर्म। एक अपूर्व धर्म क्यों, आपके हेतु कुछ पिछले लाइन पर दिया हुआ है कि क्या बोला था वहाँ पे पितान अयोक्षेत्र सुशिक्षित है ना, ये क्योंकि वहाँ पे जाकर क्यों देखते हैं, क्यों आपने क्या किया उस भाव को प्राप्त करने के लिए अपने माइंड को ट्रेंड किया सुशिक्षितम। जिस प्रकार एक घमने में रहते रहते हम अभ्यस्त हो जाते हैं, कहीं भी कोई वस्तु को रखने का बत्ती नहीं है फिर भी हम उठ के वहाँ से वस्तु को उठा लेते हैं। इसी प्रकार मन में जब उस स्वर्ग लोग देवता भाव प्राप्त करने के चलते पूरे हो जाते हैं तब क्या होता है उस स्थान में जाकर के हम उस वस्तु को देखते हैं स्वप्न में, सारी धर्म में ही देखते न सत सिद्ध दृष्टु स्वर्ग। अच्छा फिर आगे टीका में अपूर्व दर्शनम स्वप्न दृष्टि धर्म अभी चैतन्यवत के न सहित। ठीक है, जो अपूर्व दर्शन होता है वो स्वप्न दृष्टा का धर्म होते हुए भी वो स्वयं चेतन क्यों नहीं हो सकता, अरे यदि स्वयं चेतन होता है तो दृष्टा के स्वप्न जो अपने आप प्रकाशित हो जाता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए बोला चैतन्यवत किम न सहित आशंक बाधो उपलब्धेर्मयम, वो बाधित हो जाता है, वो बाधित हो जाए मतलब जिस वस्तु को आप देख रहे थे वो यदि सत होता तो कभी बाधित नहीं होता, परंतु वो बाधित हो जाता ना 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 डिपेंडेंट, आप कुछ देर बाद वो नहीं रहेगा आपके पास, आप जिस समय सपन देख रहे थे उस समय आपको वो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आप जग जाते हो आपके पास नहीं है, आप नहीं देखते बाधित हो गया, ये असत बाधित हो जाए मतलब क्या हो जाता है, जैसे ही आप जगते हैं वो आपके सामने नहीं रहता, वो आपको नहीं दिखाई पड़ता। जिस प्रकार रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, रज्जु ज्ञान से बाधित हो जाता है, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सब रज्जु ज्ञान से बाधित हो जाता है। इसी प्रकार से स्वप्न में दिखाई दे रहा था जो वस्तु, मैं स्वप्न से जागने से वस्तु बाधित हो जाता है, इसी कारण से आप उसको मिथ्या बोलते हो, इसीलिए आप बोलते हैं बाध उपलब्धि वो बाधित हो जाता है। देखिए स्वप्न दृश्य वस्तु बाधित हो जाता है, परंतु स्वप्न दृष्टा बाधित होता है कि नहीं होता, स्वप्न दृष्टा बाधित है ना, वो आप स्वप्न दृष्टा स्वप्न के सापेक्ष में स्वप्न दृष्टा बोल रहे हैं, जागृत के सापेक्ष जागृत दृष्टा बोल रहे हैं, सुषुप्ति के सापेक्ष में हम अज्ञान की दृष्टा बोलते हैं, परंतु तीनों उपाधि का हटा दो तब क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप, दृष्टा नहीं बोल सकते उसको, हाँ तब शुद्ध स्वरूप, वहाँ की शब्द प्रयोग नहीं होगा, शब्द प्रयोग नहीं होगा वहाँ के लिए,
बाकी शब्द शब्द प्रयोग होते आपका विषय बन जाएगा। हाँ पद कोई एक तत्व है आपका निश्चय हो जाएगा, बिल्कुल निश्चय हो जाएगा। क्या जो व्यक्ति मैं सपनों देख रहा था, जो मैं जागृत में व्यवहार कर रहा, जो मैं अज्ञान काल में सुषुप्ति काल में कुछ नहीं जान रहा था, वो तीनों अवस्था के कारण ऐसा हो रहा है, मतलब अपने अस्तित्व के बारे में कोई शंका नहीं रहेगा। और वो क्या वस्तु है वो आप नहीं समझ पाए, विषय रूप में नहीं समझ, मतलब अपने अस्तित्व को समझ पाए। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे जो ब्रह्म वस्तु कभी झूठा नहीं हुआ, बस यही बात है, मुझको आप विषय रूप से नहीं कह सकते। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपूर्व दर्शनम स्वप्न दृष्टि धर्म अभी चैतन्य चैतन्य वाला किन्न शक ऐसा नहीं कि गुरु नहीं हो सकता है, ऐसा शंका का उत्तर देते हैं बाधो उपलब्ध है, मतलब वो बाधित हो जाता है इस कारण से, वो सत्य नहीं हो जो स्वयं प्रकाश नहीं है, मैं कभी दिया। इसलिए आप बोलते उपलब्ध है ना स्वतः सिद्ध दृष्टि स्वरूप, देखो दृष्टा का स्वरूप जो है वो स्वतः सिद्ध होता है, परंतु दृष्टा की तरह दिखा गया जो वस्तु वो स्वतः सिद्ध नहीं, दृष्टा की तरह सिद्ध होता है। अलोक बाधित जब हम देखूंगा दृष्टि ने वो सृष्टि, जब हम देखूंगा तब वस्तु है, नहीं देख रहा हूँ तो वस्तु नहीं है। कौन कौन सा वस्तु देखो, जिस समय मैं रज्जु को देख रहा हूँ ठीक से नहीं देखा तो सर्प को दिखाई दे रहा, मैं देखना बंद कर दे सर्प को दिखेगा क्या, नहीं बोला नहीं नहीं दिखेगा, ये इसका मतलब रज्जु नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रज्जु तो है अधिष्ठान तो है, अधिष्ठान हमेशा रहेगा तो देखने वाले वस्तु बाधित हो जाता है। इसलिए बोलते हैं बाद उपलब्धि इत्यादि न स्वतः सिद्ध, अपने आप सिद्ध नहीं होता, दृष्टु स्वरूप बद्यासा दृष्टा का स्वरूप कब नहीं दृष्टु दृष्टिर भी परिलोप विद्यते अविनाशित्वात, कई बार आया नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर भी परिलोप विद्यते अविनाशित्वात, कई बार यहाँ पे इस चीज को पीड़ा कहीं यहाँ पे भी कहा उत्तरार्धम। अब यहाँ पे अगला भाग में तान अयम प्रेक्षते गतैव यह सुशिक्षित, जिस प्रकार उस स्थान में जाकर के वो इस प्रकार के वस्तु को देखते हैं। हम लोग जाते हैं कलकत्ता दिल्ली वाले लोग राजस्थान जाते हैं, क्यों राजस्थान की वस्तु को देखने के लिए, और मरुभूमि के पानी कैसे दिखाई देते हैं इस कौतूहल से भी जाते हैं दिखते के, जिस प्रकार लोग बस यहाँ पे ठंडे में बर्फ़ देखने के, बर्फ़ गिरने से क्या होता है देखने के लिए आते हैं, ये अपूर्व स्थानीय धर्म है, कहीं भी दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि अब उत्तर वहाँ पे अब क्या हो गया, कई साल आपने यहाँ पे आना जाना किया, आपको बर्फ़ गिरने का संस्कार आ गया, अब कलकत्ता में बैठ करके आप बर्फ़ गिरने स्वप्न में देख रहे हैं। ताना हूँ प्रेक्षित है गत्या जो थे सुशिक्षित, वहाँ पर जाकर के आपको लगेगा कि मैं हिमालय में गंगोत्री में जाकर के बर्फ़ गिरना दिख रहा हूँ। इसी प्रकार यही है यहाँ पर उत्तरार्ध विभजते, उत्तरार्ध को अगला भाग को विभाजन करते हैं, तान एवं प्रकारान अपूर्वान स्वचित्त विकल्पान, ठीक है भाष्य में तृतीय लाइन तान मतलब उन वस्तुओं को, वो वस्तु क्या एवं प्रकारान जिसका आपने अभ्यास बार बार देखने का अभ्यास किया, अपूर्वान और इस समय आपको अपूर्व रूप में दिखाई दे रहा है, इससे आपको नहीं है स्वचित्त विकल्पान, ये मुख्य चीज है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर आपका एक है, स्थूल शरीर बदलने पर भी सूक्ष्म शरीर वही है, और सूक्ष्म शरीर का अनादिकाल जो संस्कार बैठा हुआ है, और किस समय किस प्रकार की भूख को लेकर तो संस्कार उद्भूत होगा हम नहीं जानते हैं। इसीलिए आप बोलते हैं स्वचित्त विकल्पान अयम स्थानी, ये उस स्थान में रहने वाला व्यक्ति स्वप्न दृक् स्वप्न दृष्टा स्वप्न स्थानम गत्ता स्वप्न स्थान में जाकर के प्रेक्षते उसको देखता है, मनोराज्य में जाकर उसको देखता है। अपूर्वाना स्वप्न दृश्याना स्थानीय धर्म त्यपि किम आयातम, अच्छा ये अपूर्व जो है स्थानीय धर्म स्वप्न का धर्म, अपूर्वानाम स्वप्न दृश्याना जो स्वप्न दृश्य में पहले देख रहा हूँ वो स्थानीय धर्म होता है, स्वप्नों का में जाने वाले व्यक्ति का धर्म होने किम आयातम, इस समय लाभ क्या मिला अथवा क्या हमारा उसको लेकर के विचार चल रहा तो उसमें क्या लाभ अथवा हानि हुई, ऐसे शंका करने पर बोलते हैं भाष्य में और करने को जैसे यह लोग सुशिक्षित, इस प्रकार इस लोग में एक वेल ट्रेन व्यक्ति मतलब आना जाना में जो मतलब जो डेली पैसेंजर ही करते हैं दिल्ली बम्बे शहरों में 60-70 किलोमीटर डेली पैसेंजर भी करते हैं लोग, इसलिए बोलता है सुशिक्षित देशांतर मार्ग है ना देशांतर में जाने का मार्ग है उस मार्ग के द्वारा तेन मार्ग है ना देशांतर गत्ता उस मार्ग के द्वारा दूसरे स्थान जा करके तान पदार्थान पश्यति उस पदार्थ को देखते हैं। बर्फ बर्फ गिरना देखना होगा तो आपको हिमालय में आना पड़ेगा, मरुभूमि के पानी देखना पड़ेगा तो आपको राजस्थान जाना पड़ेगा, इस प्रकार जैसे जैसे जिस स्थान में जो दिखते हैं वहाँ पर जाकर को देखता है जो व्यक्ति जानते हैं है ना, पर पश्यति तत्पर उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। अब जो है ये जो तस्मात इसलिए यथा स्थानीय धर्मान
रज्जु सर्प मृग तृष्णिका आदिना असत्यम, जैसे स्थानीय धर्म मतलब जिस स्थान में जाकर का इसको देख रहे उस धर्म का वो क्या है, रज्जु सर्प रज्जु में दिखाई दे रहा है सर्प है ना, अथवा मृग तृष्णिका मरुभूमि में दिखाई दे रहा है पानी इत्यादि ना असत्यम, पारमार्थिक नहीं है वो तत्काल उस काल में केवल दिखाई देता असत्यम। तथा उसी प्रकार स्वप्न दृश्यानाम अपूर्वानाम, उसी प्रकार चाहे स्वप्न दृष्ट वस्तु आपका पहली बार क्यों ना हो, अपूर्व पहले आपने नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं मतलब, परंतु फिर भी संस्कार जन्य तो बैठा हुआ यहाँ पे अपूर्वाना स्थानीय धर्मतम एवं उस स्थान की विशेष गुण है ये इति असत्यम, इसलिए वहाँ पे ये भी असत्य माना जाता है। अतो न स्वप्न दृष्टस्य स्वप्न दृष्टान्त असिद्ध नहीं, जो आपने हमको हमारा अनुमान में साध्य विकलता दिखाए थे स्वप्न दृष्टान्त सिद्ध नहीं है, क्योंकि आपका उसमें स्वप्न सत्य है मिथ्या नहीं है, ये नहीं है स्वप्न मिथ्या ही है, चाहे आप अपूर्व हो चाहे अपूर्व हो जो भी कुछ देखते हो आप वो जो है वो पारमार्थिक नहीं है। टीकाकार बोले यहाँ पे स्वप्न दृष्टान्त साध्य विकलत अभाव निगमयति, स्वप्न दृष्टान्त में साध्य विकलता की अभाव है उसको उपसंहार करते हैं। स्वप्न दृष्टान्त आपको उसने क्या कहा था, स्वप्न रूपी दृष्टान्त में साध्य विकलता मतलब साध्य मन ही बैठा है ऐसे बोलते हैं, इसके मतलब ये इसका अभाव दिखा है विकलत्व के अभाव मतलब क्या साध्य बैठा हुआ उसको यहाँ पे निगमन करते उपसंहार करते हैं। अत न स्वप्न दृष्टान्त असिद्ध, इसलिए स्वप्न दृष्टान्त असिद्ध नहीं है। पूर्वस्य पूर्वस्य वा स्वप्न दर्शन स्वप्न दृष्टि धर्मतेन तत् अविद्या अविद्या विलसितत्वा दृष्टान्त साध्य संप्रतिपत्ते तथैव जागृत भेदानां मिथ्यात्वं युक्तम् इति अर्थः। पूर्वस्य पूर्वस्य वा पहले जो भी कुछ आपने स्वप्न देखा भी किया वा स्वप्न दर्शनस्य है ना, बात में बोल रहा है चाहे आपका पहले देखा हुआ चाहे नहीं देखा, पूर्वस्य पूर्वस्य वा स्वप्न दर्शनस्य स्वप्न दृष्टि धर्मतेन, वो क्या है स्वप्न लोक में जाके स्वप्न भाव में जाकर के मनोरज्य में जाकर के ही वो इस प्रकार का वस्तु देखता है मनोरज में जाकर के, मतलब संस्कार जन्यत्व है वहाँ की स्वप्न दृष्टि धर्मतेन। ये क्या क्यों हुआ ये तद अविद्या विलसितत्व, तो अज्ञान का ही महिमा है, तो अज्ञान का ही महिमा मतलब वहाँ दुष्मा अज्ञान मतलब क्या हो गया निद्रा तत्व अजानत, ध्यान रखना ये अविद्या विलसन का मतलब ये नहीं कि आप निद्रा जिसको हमने अविद्या क्या बोला आपका तत्व का बोध अभी तक नहीं हुआ आपकी जगह नहीं, ये चीज का ध्यान रखना है। तो अन्यथा गृह्णते स्वप्न निद्रा तत्व अजानत है ना, जब अन्यथा ग्रहण होता है वो स्वप्न है और उसका हेतु क्या है कि हमारा यथार्थ ग्रहण नहीं है, यथार्थ ग्रहण नहीं है इसलिए अग्रहण निद्रा हो गया अग्रहण और स्वप्न हो गया अन्यथा ग्रहण, इसलिए तद अविद्या विलसितत्व यह अविद्या की विलास अविद्या की महिमा विलास मतलब इट्स अ प्ले एम्यूजमेंट अविद्या विलसितत्व दृष्टान्त साध्य संप्रतिपत्ति दृष्टान्त में साध्य सम्मत उसे बैठा हुआ है तो वह सम्मत है इसीलिए तथा इसी के आधार पर ही जागृत भेदाना मिथ्यात्व युक्तम जागृत भेद में मिथ्यात्व बैठा हुआ ये कहना युक्त सम्मत ये कहना युक्त सम्मत। अब जो आपने बोला कि जागृत में जो है दोनों ही मतलब क्या हो गया एक आपका अंतश्चित तत्व है एक बहिश्चित तत्व है, स्वप्न काल में भी दोनों है, स्वप्न काल में कुछ वस्तु अंदर ही रह जाता है अंदर हम सोचते हैं और कुछ बाहर होकर के व्यक्त होता है मतलब वृत्ति इंद्रियों के माध्यम से बाहर आकर के वस्तुओं को देखता है, जैसे जागृत में भी ऐसा ही है। तो इस प्रकार को मन में रखते हुए देखिए अगला श्लोक के लिए उपोद्घात दे रहे हैं, जागृत दृश्यानाम मिथ्यात्वम तेषु सद असद विभाग प्रतिभान विरुद्धमिति आशंक दृष्टान्तेन समाधत्ते। आपने तो जागृत दृश्य को भी मिथ्या बना दिया, जागृत दृश्य को मिथ्या बना दिया, तब वहाँ पे कौन सत है कौन असत है इसका विभाग कैसे करोगे, मतलब मैं क्या बोला एक मरुभूमि के पानी एक गंगा जी के पानी यहाँ असत समझ अच्छा से समझ में आ जाता है, तो आप इसमें मरुभूमि का आपने क्या कर दिया स्वप्न में देखा हुआ वैसे सब मिथ्या है, आपने सारा जागृत को मिथ्या बना दिया। जागृत काल में आप मरुभूमि के भी पानी देखते हैं जागृत काल में गंगा जी के पानी देखते हैं, इसका विभाजन कैसे करोगे स्वप्न मिथ्या कैटेगरी मिला है तुमने सब मिथ्या का इसका विभाजन कैसे करोगे इसका विभाजन कैसे होगा, इसलिए बोलते हैं तुम्हारा ये सिद्धांत तो सही नहीं है। जागृत दृश्यानाम मिथ्यात्म जागृत दृश्य में मिथ्यात्म धर्म में ऐसे तुमने कहा, अब तेषु मतलब जागृत दृश्येषु
है ना। देखो यहाँ पे टिप्पणी का लिख रहे शिष्य क्या लेंगे, जागृत दृश्येशु, भ्रांति भी हमारा जागृत में ही होता है और सत वस्तु भी, मतलब सच्चा वस्तु भी हम रज्जु को, सही रज्जु को भी हम जागृत काल भी देखते हैं और रज्जु को वह सर्व भ्रांति भी हमारा जागृत काल भी होती है। इसमें जागृत दृश्या नाम यहाँ पे मानते तेषु, तेषु मतलब जागृत दृश्येशु, तो क्या है सुक्ति रूप घटा दिशु इति अर्थ। देखिए टिप्पणी का क्या लिख रहे हैं, तेषु हम जागृत काल भी दोनों दिखाई पड़ता है, सुक्ति का के ऊपर चांदी भी दिखाई पड़ते हैं और मृत्यु का घड़ा भी दिखाई पड़ता है, मृत्यु का निर्मित घर भी दिखाई पड़ता है, दोनों दिखाई पड़ता है जागृत काल में, मतलब अर्थ तेषु सद असद विभाग, इसमें कौन सत है कौन असत है इसका विभाग कैसे करो। तो एक ही पानी को लेकर के समझना आसान होता है ना, मरुभूमि में पानी दिखाई दिया आपको और गंगा जी में पानी दिखाई दिया, दोनों आपका जागृत काल में जागृत का विषय है। मरुभूमि के पानी देख कर प्यास बुझाने के लिए तो गंगा जी का पानी देख कर गंगे का नहाने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो पुण्य अर्जन करने के लिए जाते हैं। अब इसका भेद कैसे करो, सभी को तो मिथ्या बना देते हैं, सभी को मिथ्या बना दिया। सत असत विभाग और प्रतिभान, प्रतिभान विरुद्ध से क्या हो जाएगा, सत असत का विभाग की जो प्रतीति होता है वो तो उसमें तो विरोध आ जाएगा, ऐसा संदेह सभी तो मिथ्या कैटेगोरी में आ गया। हम तो वेदांत मिथ्या तो बोलते हैं, परंतु देखना सापेक्षिक मिथ्या, सापेक्षिक मिथ्या, ये चीज को समझना है। ऐसे यहाँ पे बोलते हैं विरुद्ध मिति आशंक दृष्टान्तेन समाधत्ते, दृष्टान्त के द्वारा उसको समाधान देती है। यहाँ पे तीन चार नंबर टिप्पणी में देखिए विरुद्धमिति सत असत विभाग प्रतिभान अन्यथा अनुपगत्ता, मतलब यदि सत और असत के विभाग को आप ठीक से मन बैठा होता तो व्यवहार दूसरे प्रकार से होना, अन्यथा अनुपगत्ता व्यवहार नहीं तो संभव ही नहीं होगा। आप मरुभूमि के पानी को देख करके वहाँ पे जाकर के मैं नहाऊं पुण्य होगा कभी नहीं भाग, अभी गंगा जी कहते हैं यानी कि इस प्रकार के व्यवहार सिद्ध करने के लिए आपको सत असत का विभाग रखना पड़ेगा और आप दोनों को मिथ्या कैटेगरी में लाए। हम व्यवहारिक में सब व्यवहारिक सत्ता तो हम निषेध नहीं करते, व्यवहार चलते चलते कि व्यवहार की पारमार्थिक वस्तु नहीं है, पारमार्थिक सत्ता तो निषेध करते हैं। अब इसके ऊपर अब ये अगला श्लोक दे रहे हैं, अगला श्लोक दे रहे हैं, देखो स्वप्न काल में भी क्या स्वप्न वृत्तावपित्वं बहिश्चेत गृहीतं स, बहिश्चेत गृहीतं स दृष्टवैतथ्यमेतयोः स्वप्नवृत्तावपित्वन्तश्चेतसा कल्पितं वशः बहिश्चेतो गृहीतं स दृष्टवैतथ्यमेतयोः। स्वप्नवृत्तो अपि स्वप्न काल में भी आप थोड़ा गहरे से देखो, आपका दो प्रकार की वृत्ति होती है, एक केवल मात्र अंतकरण वृत्ति अंतश्चित्त वृत्ति और एक होता है बहिश्चित्त वृत्ति, मतलब अंतश्चित्त वृत्ति मतलब केवल अंतर में अंदर ही है मन में आपको है, और एक जो है कि अंतकरण की वृत्तियों को इंद्रियों के माध्यम से बाहर ला करके बाहर विषय को आप देखते। दो प्रकार की वृत्ति, एक हो गया बहिश्चित्त वृत्ति, एक हो गया अंतश्चित्त वृत्ति। कहाँ पे मिला मेरे को देखो, देखो स्वप्न वृत्तौ अपि, स्वप्न वृत्त में भी स्वप्न अवस्था में भी तू, वहाँ पे क्या होता है स्वप्न वृत्तौ अपि तू अंतश्चेतसा कल्पितम, जो चित्त के अंदर ही कल्पित है और बाहर नहीं आया उसका क्या बोलते हैं असत, स्वप्न काल में सही नहीं असत, और बहिश्चेत गृहितम पर वही वस्तु यदि आपका चित्त वृत्ति को लेकर के बाहर वस्तु को सामने प्रोजेक्ट कर देते हैं तो उसका सत हो। स्वप्न में भी ऐसे ही होते हैं, इसमें बोलते हैं कि स्वप्न वृत्तौ अपि त्वन्तु अंतश्चेतसा कल्पितम, जो अंदर चित्त में कल्पित है वो तो असत बोलते हैं, तो असत, परंतु बहिश्चेत भेदम तू यहाँ करना करेगा दो तू इधर, परंतु यदि आप उसी को अंतरणीय वृत्ति को इंद्रियों की व्यापार के माध्यम से बाहर ला करके आप कोई वृत्ति को दिखाई पड़ते तो उसका क्या बोलते हैं सत बोलते, ठीक है, परंतु आप जगने के बाद इन दोनों में किसको सच किसको मिथ्या बोलोगे, ठीक इसी प्रकार जागृत काल में हमको शुक्ति का में रजत भ्रांति हो और जब मरुभूमि में पानी की भ्रांति हो और जागृत काल में हमें गंगा जी के पानी दोनों दिखाई दे रहा है,
एक क्या है, आप जानते हैं कि सुक्ति का मेरा रजत दिखाई दे रहा है अथवा मरुभूमि में पानी दिखाई दे रहा है, वो हमको पता लगता है ये केवल हमारे मन में बैठा हुआ है भारी प्रतीति मान। और यहाँ पे क्या है कि इंद्रियों की तरह भारी प्रतीति मान है, परंतु जब आप पारमार्थिक दृष्टि से जग जाओगे, जब चित्त सागर में गोता लगाओगे, तब दोनों ही पानी मुक्त हो जाओ, इसका कोई मौजूदा नहीं रहेगा। इसी को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में एक श्लोक में कहा, द्वितीय अध्याय 46, यावान अर्थ उदपाने सर्वत संतुतोदके आवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विदाम। यहाँ ये जो है ये वेदांतिक सिद्धांत को कितना सुंदर भगवत श्री कृष्ण शब्दों तरह भिन्न है, परंतु देखो इस कितना सुंदर इसको कहा वहाँ पे, यावान अर्थ उदपाने सर्वत संतुतोदके, है ना, छोटे छोटे पापी कूप तड़ाग आदि का आपको जो प्रयोजन, दस गर्मी के समय पानी की कमी है उस समय उसकी उपयोगिता है, बापी जावान अर्थ जितना प्रयोजनीयता को सिद्ध करता है, बापी कूप तड़ाग आदि जावान अर्थ उदोपनी सर्वत संतुष्ट हो जाकर सके, यदि उसी जगह पे बाढ़ आ गया तब उस पानी को बापी कूप तड़ाग का कोई उपयोगिता नहीं रह जाता। ठीक इसी प्रकार आप जावान अर्थ उदोपनी सर्वत संतुष्ट हो जाकर तावान सर्वेशु वेदेशु, समस्त वेद की उपयोगिता जिसमें श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे, भगवान अपने बोलते श्रुति स्मृति हमारी वाणी है, वो व्यक्ति स्वयं बोल रहे हैं कि इसकी उपयोगिता कब तक है, अज्ञान तक है। विजानस्त विजानत ब्राह्मण से जो जान लिया ब्राह्मण उसके लिए फिर जो वही जान चलिए कब तक नहीं जान जग गया तो आपको गंगा जी के पानी और शुद्ध पानी दोनों ही आप निश्चित ब्राह्मण का मतलब इसी जगह पे ब्राह्मण का मतलब है ज्ञान ब्रह्म, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इसका भी मतलब है, जावान अर्थ उदो माने सर्वत संकृत लगे तावान सर्वेषु वेदेषु, उतना ही उपयोगिता समस्त वेद का है, किसके लिए, एक ज्ञानी ब्रह्म को जान लिया, इस प्रकार ब्राह्मणस्य विजानत विजानत ब्राह्मणस्य मतलब वो तत्व को जान लिया, इस प्रकार के व्यक्ति पुण्यात्मक तत्व को उसके लिए इसका उपयोगिता नहीं रहेगा। ठीक इसी चीज़ को हम दूसरे शब्द की तरह बोलते हैं, चाहे आपका अंतश्चित्त हो चाहे बहिश्चित्त हो, जानने के बाद दोनों का मिथ्यात्व निश्चय है, जानने के बाद तो यही चीज़ जो है यहाँ पे एक श्लोक में आया हुआ है, स्वप्न वित्तो अपि तु अंत अंत मतलब अन्न करने के लिए क्या करेंगे, स्वप्न वित्तो अपि अंतश्चेतसा कल्पितम असत, स्वप्न वृत्त में भी अंतश्चित्त के द्वारा जो देखा जाता है वो कल्पित है उसको असत मानते हैं, और बहिश्चेतक हितम सत, परंतु जिसको इंद्रिय उसी वृत्ति को बाहर ला करके इंद्रियों माध्यम से बाहर प्रतीति होते हैं उसका क्या बोलते हैं सत दृष्ट वही तत्थम ये तयो, परंतु जगने पर इन दोनों का मिथ्या आप स्वयं निश्चय करते हैं। ठीक इसी प्रकार व्यवहारिक हो और प्रातिभाषिक वस्तु, अब आइए केवल हम संक्षेप में लाते हैं अभी, चाहे व्यवहारिक वस्तु हो चाहे प्रातिभाषिक वस्तु, व्यवहारिक हो गया गंगा जल और प्रातिभाषिक वस्तु हो गया स्वप्न अथवा आपका जो भ्रांतियाँ दिखाई पड़ता है, चाहे व्यवहारिक हो चाहे प्रातिभाषिक हो, पारमार्थिक दृष्टि से दोनों ही मिलते हैं, दोनों ही मिलते हैं, बस इतना ही अभिप्राय, जब जाग जाओगे परमार्थ की प्रति तभी भी मिथ्या हो जाएगा। इसी नाते बोलते हैं आप एक नंबर टिप्पणी में देखिए, स्वप्न वृत्तो अभी है वहाँ पे बोलते हैं स्वप्न वृत्तो अभी इतना स्वप्ने अपि ही द्विविधा पदार्थ, ठीक है ठीक से देखना इसको, क्योंकि टिप्पणी का इसको अच्छे से समझा इसको, स्वप्ने अपि ही द्विविधा पदार्थ, स्वप्नों में भी आपको दो प्रकार के पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, शब्दों में क्या बोलता है, केचन मनोमात्र कल्पिता, कुछ वस्तु केवल मात्र मन में कल्पित है, मन में आप सोच रहे हैं मनोमत असत प्रतीति गोचर है ना, और वो क्या है असत है मतलब है नहीं बाहर केवल मन में मात्र विद्यमान रहेगा अर्थ प्रति गोचर, केचन जो यहाँ पे कौमा करते हैं यहाँ पे कौमा नहीं है, मतलब ये अर्थ करने के लिए स्वप्ने अपि द्विविधा पदार्थ, ये फर्स्ट कौमा, स्वप्न में भी आपको दो प्रकार के पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, केचन उसमें से कुछ पदार्थ, केचन में कौन सा विभक्ति वचन है, बहुवचन तो है प्रथम बहुवचन, प्रथम बहुवचन किम शब्द का किम कौ के मैस्कुलिन पूरी है ना, चन मन कुछ भी भारी चन चौपी केचन मनोमात्र कल्पित, कुछ वस्तु मन के द्वारा कल्पित होते हैं असत प्रकृति गोचर है, वो बाहर आपको प्रकृति नहीं होता, केचन च चक्षुरादि द्वारो उपलभ्यमान तेना प्रत्यमान, और कुछ क्या वृत्ति होते हैं जो चक्षुरादि दरवाजा को माध्यम बना करके बाहर प्रतीत होते हैं,
दरवाजा बना करके बाहर उपलब्ध होता मानते ना प्रतियो मान उसको प्रतीति होता है एवं उसका क्या बोलते हैं सद बोलते हैं एवं सद असद विभाग मान सत्य अभी ये जो सत और असत के विभाग आपकी मानसिक है आप मन ही मन सोचते हैं कि जो अंदर था वो सही नहीं है बाहर जो दिखाई दे रहा है वो सच्चा है इस प्रकार जो एवं सत असत विभाग और मान सत्य अभी स्वप्ने भावाना मिथ्यात्मेव परंतु जागने के बाद आप बोला चाहे आप अंतश्चित्त हो चाहे बहिश्चित्त हो दोनों ही मिलता है सपने कुछ दोनों ही मिलता है इसी प्रकार जब परमार्थ आत्मस्वरूप के प्रति आप जाग जाएंगे चाहे प्रातिभाषिक वस्तु हो चाहे व्यावहारिक वस्तु हो मतलब चाहे अंदर की वस्तु हो चाहे बाहर प्रतिदियो प्रतियोमान हो दोनों ही मिथ्या का अंश निश्चय है कि एवं सत असत विभाग भाष विभाग भान सत्य विभाग प्रतीति होने पर भी स्वप्ने भावान मिथ्यत्व स्वप्न में जो वस्तु हम देखते हैं वो मिथ्या ही है सभी वस्तु निष्पत्ति निश्चय करते हैं तथा जागृत अभी मिथ्यत्व उसी प्रकार से जागृत में भी ऐसे तो प्रातिभाषिक वस्तु हो और व्यवहारिक वस्तु हो पारमार्थिक दृष्टि से प्रातिभाषिक वस्तु व्यवहारिक के सापेक्ष में मिथ्या है और परमार्थ के सापेक्ष में व्यवहारिक वस्तु में मिथ्या दोनों मिथ्या है ना इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि आगे बोलते हैं कि मिथ्या था असत इति काम मात्र रचित मिति अर्थ भारत उसको दो नंबर टिप्पणी है हमारे किताब में अलग करके तू असत जो है ना वो दो नंबर टिप्पणी कहाँ पे है असत को पर तू असत फर्स्ट लाइन में फर्स्ट लाइन तो असत है उसके ऊपर दो लिख दिया अब इसको हाँ क्योंकि दो नंबर टिप्पणी हमारे पुस्तक में नहीं है हाथ से लिखा है बस उसको लिखना पड़ेगा उसको लिखना पड़ेगा आप जो कल्पितम त्वसत है ना तू असत तो वहाँ पे एक नंबर लगाइए दो ठीक है वहाँ पे एक नंबर दो लगा और जहाँ पे असत लिखा है ना नीचे टिप्पणी में वहाँ पे वो नंबर दो लगाइए तब असत इसका अर्थ कहेगा काम मात्र गोचरम काम मात्र रचितम गोचर काम मात्र रचितम वासना मात्र से बनाया गया है ये हो गया असत असत मतलब क्या हो गया जो केवल वासना के कारण प्रतीति हो रहा है वासना मात्र काम मात्र रचितम वासना के द्वारा ही जिसको बनाया गया है इसको असत बोलते हैं इति अर्थ इसका विपरीत अर्थ इसके ऊपर भाष्य बहुत ही छोटा है अब पहले में हमने तीन और चार ये दोनों पहले लाइन में टीका में आया इसको पढ़ लिया था देखिए भाष्यकार क्या लिखते हैं इसको अपूर्वत आशंकाम निराकृत्य स्वप्न दृष्टांतस्य पुनः स्वप्न तुल्यताय तुल्यताम जागृत भेदानां प्रपंचयन आहि ये जो है एक स्वप्न सत्य है क्योंकि अपूर्व दर्शन होता है संस्कार जन्य नहीं है कि शंका किया था वहाँ पे स्वप्न संस्कार जन्य नहीं होता अपूर्व दर्शन होता है ऐसा इसलिए स्वप्न सत्य है इस प्रकार जो शंका को उठाया था उसको निराकरण किया अपूर्वत्व शंका आशंका निराकृत अपूर्वत्व की आशंका स्वप्न की उसको निराकरण करके अब क्या किया स्वप्न दृष्टांतस्य पुनः स्वप्न दृष्टांत का फिर से उठा करके स्वप्न तुल्यताम जागृत भेदानाम एक जागृत भेदानाम स्वप्न तुल्यताम जागृत में दिखाई दे रहा जो भेद भिन्नता वो भिन्नता भी उसमें स्वप्न के समान ही है जागृत भेदानाम स्वप्न तुल्यताम प्रपंचयन उसको विस्तार करते हुए ग्रंथकार कहते हैं स्वप्नवित्त अभी स्वप्नवित्त ठीक है ना तो अपूर्वत्व आशंका निराकृत ये फर्स्ट फर्स्ट पार्ट हो गया लैब हुआ है मतलब इस आशंका को निराकरण करके अब क्या करना है स्वप्न दृष्टांत फूट भी वही जागृत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए स्वप्न दृष्टांत को फिर दोबारा करना करके क्या बोलता है जैसा स्वप्न स्वप्निक वस्तु है ऐसे जागृत वस्तु है मतलब चाहे आपको सतरूप में प्रतीत हो चाहे असतरूप में प्रतीत हो मतलब चाहे अंदर दिखाई दे चाहे बाहर दिखाई दे परंतु जगने पर दोनों मिथ्या होते हैं इसी प्रकार जब आप पारमार्थ्य के प्रति जग जाएंगे तब आपको सारा चीज मिथ्या ही ना तो कोई धर्माचरण के प्रति इच्छा ना कोई आपको कोई ठीक है परंतु जिन जो आप उसको पूरा कर देगा शरीर परंतु अपना कुछ संकल्प किसी के यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाष्यकार कि जागृत भेदांत प्रपंचयन स्वप्न वृत्तों अपिभाष्य में स्वप्न स्वप्न वृत्तों मतलब स्वप्न स्थान होती स्वप्न वृत्त स्वप्न वृत्ति में जब रहती है कितने प्रकार की वृत्ति है पांच प्रकार की क्या प्रमाण विकल्प प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति तो निद्रा में क्या बोलते हैं पांच प्रमाण विपर्य विकल्प
अपमान विपर्जय विकल्प विकल्प निद्रा अस्मृति पांच प्रकार। विपर्जय का मतलब विपरीत विपरीत अपमान के द्वारा जाना हुआ जो वस्तु प्रामाणिक वृत्ति और विपर्जय मतलब उल्टा वृत्ति जो पांच क्लेशात्मक जो वृत्ति है अविद्या अस्मिता राग्य सभी ये बीचों विपर्ययात्मक वृत्ति है विकल्प मतलब क्या होता है शब्द ज्ञान अनुपति वस्तु शून्य विकल्प। मैं एक दिन बताया था आपको अगर मैं कहता हूँ कि कल जो है हमारे आश्रम में कोई सुंदर आकाश कुसुम रहा था बहुत कुछ अच्छा भी बहुत खुशबू वाला आपको मन में कुछ भावना तो उठेगा कुछ वस्तु को तब तो है नहीं वस्तु। हम कहा कि पुरुष का चेतना था ठीक है ना तो जैसे कहते हैं जैसे मेरी पुस्तक मेरा पेन तो क्या होता है एक संबंध की भावना मन में होती है कि इसी प्रकार जब आप कहते हैं पुरुष की चेतना था तो क्या होगा पुरुष के साथ चेतन का कोई संबंध ऐसा भाव मतलब पुरुष ही चेतन है पुरुष और चेतन कोई दो वस्तु नहीं है। इस प्रकार के जो वृत्ति है इसको विकल्प वृत्ति बोलते हैं मतलब नहीं है पंत मनोवृत्ति होती है। इसलिए वह बोलते हैं स्वप्न वृत्ति अपनी और अभाव प्रत्यय आलम्बन वृत्ति वृत्ति जिस समय ये चार प्रकार की वृत्ति नहीं है प्रमाण वृत्ति विपर्जय वृत्ति विकल्प वृत्ति स्मृति वृत्ति चारों वृत्ति नहीं है उस प्रकार के स्थान पर निद्रा बुद्धि है निद्रा बुद्धि अभाव प्रत्यय आलम्बन वृत्ति निद्रा स्मृति वृत्ति मतलब अनुभूत विषय असम प्रमोश मतलब जो आपने ये चारों का कौन चारों का प्रमाण वृत्ति विपर्जय वृत्ति विकल्प वृत्ति और स्मृति आपका निद्रा वृत्ति इस चारों का आपका स्मृति होता है जो आपने हुआ जब कुछ समय आपने अनुभव किया कि सबका जो स्मरण करना उसको अतिक्रमण करके नहीं बोलना जो घटना आपका अनुभव में आया उसको अतिक्रमण करके नहीं बोलना उसको स्मृति वृत्ति बोलनी तो स्वप्न वृत्तों अपनी स्वप्न स्थान मतलब स्वप्न स्थान में भी अंतचेतसा मनोरथ संकल्पितम असत जो केवल मात्र अंदर दिखाई दिया मन के द्वारा कल्पित है मनोरथ मतलब मन के द्वारा बनाए हुए रथ में बैठ करके आप कुछ भी सोच रहे जहाँ जा रहे हैं इसलिए होता है मनोरथ संकल्प मनोरथ संकल्पित मन के रथ के द्वारा संकल्प उस वक्त असत बोलते हैं संकल्प अनंतर स्वप्न समकाल एवं अदर्शना क्यों संकल्प होने के बाद स्वप्न काल में भी उसको दिखाई नहीं पड़ता अंदर ही रह जाता है ठीक है ना इसलिए संकल्प अनंतरम स्वप्न समकाल में स्वप्नों काल में ही आपको अदर्शना तो नहीं दिखाई देता तत्रैव स्वप्न हो गया आपका अंतश्चेतस ना स्वप्न वृत्त हो तो अंतश्चेतस इसका अर्थ हो गया और तत्रैव स्वप्न उसी स्वप्न काल में ही वही चेतस रहित वही वस्तु तो पहले सोच रहे थे आप अंदर फिर बाद में क्या हुआ आपका इंद्रिय के माध्यम से बाहर आपके सामने दिखाई देने लगा आप ऐसे भी अपने मन ही मन सोचते कि यदि आज मेरे को ये दर्शन होता है वो आप सोच के सोया आपको समझता होता है तो अंदर ही था वो आपके पास जो अंतश्चेतस था अब स्वप्न में जाते हो बहिश्चेतस हो गया मतलब बाहर इंद्रियों के माध्यम से वृत्ति बाहर आपको दिखाई दे मतलब जगने के बाद आप निश्चय करेंगे चाहे बाहर रहने पर भी चाहे अंदर रहने पर भी दोनों ही मिथ्या है इसलिए हमें बोलते हैं तत्व स्वप्न बहिश्चेतसा गृहितम अब माने चित्त के बाहर इंद्रियों के द्वारा गुरु ग्रंथ किसके द्वारा चक्षुर आदि द्वारे उपलब्ध गृहितम का शब्द अर्थ कर दिया बहिश्चेत गृहित मूल का पद है ना बहिश्चेत गृहित है ना वहाँ में क्या चेतसा तृतीय समास है बहिश्चेतसा गृहितम बिना बहिश्चेत गृहितम मतलब बहिश्चेत अब तत्चेतश्च बहिश्चेत तेन बहिश्चेतसा गृहितम उसके द्वारा गृहित वो क्या हो गया गृहित चक्षुर आदि द्वारे उपलब्धम चक्षुर आदि इंद्रियों बना करके उपलब्ध होता है घटादि वस्तु घटपट आदि घटादि सत इति एवं असत्यम यहाँ पे घटपट आदि फूल आदि वो तो सामान्य परंतु इस जगह पे मन में बहुत जोर धक्का लगता है इसके बाद तो और जबरदस्त धक्का आएगा आपको तो। मन को अरे गंगा जी का पानी को मिथ्या गुरु का हमारे संतन परंपरा ध्यान रखा उसको मिथ्या प्रतिपादन करना हमारा अभिप्राय नहीं है आपको अपने स्वरूप के प्रति जागृत करना है अब स्वरूप के प्रति जागरूक कर अपने आप में क्या पारमार्थिक है क्या फिर तत्रैव स्वप्ने बहिश्चेतसा गृहीतम चक्षुरादि द्वारेण उपलब्धम घटादि सत इति एवं असत्यम इति निश्चित ये घटादि सत होते हुए भी वो जगने के बाद असत्यम इति निश्चित अभी सत असत विभाग दृष्टि मगर आप जो सत और असत के विभाग जगने बाद अपने आप समझ जाते हैं उभयरपि अंतर बहिश्चेत कल्पितयोर दोनों का वैतत्थम ए तयोर उभयोर ये दोनों का ही मिथ्यात्व इन दोनों में ही मिथ्यात्व धर्म समान रूप से बैठे
उभयोरपि मतलब चाहे अंतश्चित्त हो चाहे बहिश्चित्त हो दोनों का, उभयोरपि अंतर बहिश्चित्त कल्पितयो चाहे अंदर चित्त में कल्पित है चाहे बाहर प्रोजेक्ट होकर के दिखाई दे, वही तत्व एक निष्ठा वो दोनों में भी तथा कि धर्म मतलब मिथ्यात्व के धर्म बैठा हुआ है। कब आपको समझ में आएगा? अनादि माया सुप्त जदा जीव प्रकृत, ये ध्यान रखना है। अनादि माया निद्रा सुशुद्ध, क्योंकि देखो ना लोग इसका बोलते हैं वहाँ पे तो उत्तर कश्म तो उल्टा उल्टा ऐसा बोलते हैं, सब किसके सापेक्ष से बोला जा रहा है, पूरा नहीं सुनने से आपको लगेगा कि अरे ये तो सारा उल्टा ही उल्टा बोल रहे हैं, यहाँ ये क्लास तो नहीं करना चाहिए, एकदम पखंडियों का क्लास है ऐसा लगेगा, परंतु पूरा सुनेंगे तब आपको पता लगेगा हमको कब कब ये जब अनादि माया सुप्त जला जीव प्रबुद्ध थे अजम अनित्र अशन माया नेत्र से जगाने के लिए वेदांत की भेड़ी है, वेदांत बिंदी में ये आपका कान के सामने बार 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 इसके बजाएगा, वेदांत भेड़ी सुनते बिंदी का आवाज़ सुनते हुए एक समय हम जरूर जल जाएंगे माया नेत्र से, इसलिए बताए वही तत्व एवं निष्ठा उसका दोनों मिथ्या की दिखाई दिया। अब देखिए हो जाए कि स्वप्नवृत्तो पहले दिन पढ़ने तो जागृत दृष्टानां मिथ्यत्वं तेषु सत् असत् विभाव प्रतिमानं विरुद्धमिति आशंक दृष्टान्ते स्वप्न दृष्टान्ते समाधान देते हैं। स्वप्नवृत्तो श्लोकस्य तात्पर्यम भगवान भाष्यकार तात्पर्य को दिखाना चाहते हैं, अभिप्रेत अर्थ क्या है इसके, श्लोक मतलब श्लोक एक कहा परंतु इसका अभिप्रेत छुपा हुआ अर्थ क्या है उसको यहाँ पे कहते हैं। अपूर्वत्व शंका निराकृत स्वप्न दृष्टान्त पुनः स्वप्न तुल्यता जागृत भेदाना प्रपंच, स्वप्न दृष्टान्त के द्वारा ये जागृत में भी दिखाना चाहते हैं, दृष्टान्त स्वप्न लिया ऐसे यहाँ पर जागृत में भी होते हैं, इस जागृत में इसको विस्तार करते हुए इसको कहते हैं क्योंकि जागृत में हमारे मन में बहुत बड़ा एक भारी जागृत के गम का जल कैसे मिलता, मंदिर कैसे मिलता, मंदिर नहीं कैसे मिथ्या होगा, तो हो नहीं सकता, अब जागृत सारा मिथ्या कर दिया, धर्माचरण कैसे मिथ्या होगा, अनुसूति अपने आप बोलते अत्र वेदा अवेदा अवेदा भवति निस्त्रय गुण ने पति विचरत को विधि को व निषेध, उसके लिए क्या विधि क्या निषेध, गुणातीत भाव में स्थित जो व्यक्ति उसके लिए विधि निषेध नहीं है भगवान सर सही जी, हर जगह पे अभिप्र सब तो थोड़ा भिन्नता है, अभिप्र तात्पर्य जगह तो एक ही रहता है, मतलब किस लेवल में ये समझना है, जब तक नहीं समझते तब तक यदि पहले ही हम मिथ्या कर देंगे कभी नहीं होगा, सोने जाना गंगा नहाना पूजा करना गायत्री जप करना ये सब करते करते तब तक समझ में आता है, या तो जन्मांतर में किया होगा अथवा इस जन्म में वो नहीं किए हुए समझ में आ जाएगा, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हमारा सन्यासी तो गायत्री जप नहीं कर सकते ना, हमारे लिए गायत्री तो बिरजा होम में होके दे दिया जाए, सिर्फ ओम बोल सकते देखो हाँ ओंकार की ओम प्रणव की अभी विधान है, बाकी गायत्री मंत्र गुरु मंत्र आदि जब बिरजा होम करते हैं उसमें हम आगे बोलते हैं दुस्वप्न दृष्टान्त अपूर्व दर्शनत्व प्रयुक्तम साध्य विकलत्व शंकम परिणित्य जो यहाँ पे बोला था ना अपूर्वत्व शंकम निराकृत, ये जो भाष्यकार की पंक्ति है उसका अर्थ करते हैं टीकाकार, स्वप्न दृष्टान्त अपूर्व दर्शनत्व प्रयुक्तम वो एक अपूर्व दर्शन है इस कारण से साध्य विकलत्व शंका, ये साध्य विकलत है दृष्टान्त में साध्य नहीं बट शंका उठाया था उसको निराकरण करके परिणित्य स्वप्न स्थाने सर्वस्य मिथ्यत्व अविशेष अभी इति अर्थ है ना, वहाँ पे स्वप्न दृष्टान्तस्य मतलब स्वप्न स्थान में सभी वस्तु सामान्य रूप से जगने पर हम मिथ्या ही निश्चय करते हैं, ये अभिप्रेय करते हैं। असत्यम पदार्थ सद परमार्थ सद विलक्षणत्वेन मिथ्यत्वम, असत्यम मतलब क्या देखिए ठीक एक कितना सावधान से शब्द प्रयोग करते हैं, असत्यम मतलब क्या सद विलक्षण नहीं है ये नहीं बोल रहे हैं, सत में जो धर्म होता है उससे विलक्षण विभिन्न धर्म होता है, केवल अंतश्चित्त है उभयश्चित्त नहीं, इसलिए बोलते हैं असत्यम परमार्थ सद विलक्षणत्वेन मिथ्यत्वम, पारमार्थिक सत्य वस्तु से विलक्षण होने के कारण उसको मिथ्या कहा जाता है, लक्षण में भिन्नता है। तथापि तरी विभाग प्रतिभाष विरोधा कुत मिथ्यत्वमिति आशंका बाध अविशेषा, वहाँ स्वप्न अवस्था में भी तरी विभाग प्रतिभा से विरोधा, वहाँ पे दो विभाग है एक सत का विभाग एक असत का विभाग, असत किसको है जो अंतश्चित्त है और सत किससे उभयश्चित्त है, तो बोला नहीं आप इसमें बोलते हैं कि तत्रापि तरी विभाग प्रतिभा से विरोधा तू तो मिथ्यात्व मिथ्यात्व कैसे सिद्ध होगा, बोलता उस काल में मिथ्या सिद्ध नहीं होगा,
उस काल में तो सत्य ही लगेगा, जगने के बाद मिथ्या सिद्ध होगा। ये चीज को ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से। हम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या कब है? जब आप आत्मा के प्रति जग जाओगे तब जगत मिथ्या होगा, तब जगत मिथ्या। इसलिए बोलते हैं तथापि तरी विमान प्रतिभाष विरोधा कुत मिथ्या तमिति आशंक बाध अविशेषा, जो बाधित हो जाता है सचेत न बाधित, तो जो सत्य होता तो कभी बाधित नहीं होता। ये बोलता है इति आवश्यक मन में रखते बोलते हैं उभयोरपि अंतर बहिश्चित कल्पित, दोनों जो अंतर है अंतरचित्त से कल्पित है अथवा बाहर प्रोजेक्टेड है, वो दोनों में जगने पर दोनों में मिथ्या तो समान ही है, जगने पर दोनों में मिथ्या तो समान ही कल्पित द्वैतत्व कृष्ण की तो मिथ्या तो दोनों में बदल गया। ठीक है, एक श्लोक में हो गया, परंतु समझ समझ के चलना है कि कहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, किस श्लोक के द्वारा किस शंका को निराकरण करते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व के लिए कितना रीजनिंग वन हफ्ता करना था, रीजनिंग देखते देखते आप एक एक श्लोक के द्वारा एक एक प्रकार की युक्ति से उसको निराकरण करते धीर हो जाएगा। युक्ति के द्वारा श्रुति श्रुति को वाक्य युक्ति के द्वारा धीर हो जाएगा, श्रुति में जो प्रतिबंध प्राप्तिर गुलाब का फूल भगवान का रूप है।